मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमरूद का पेड़ है और इसमें आप देख रहे हैं कि कितने सारे अच्छे अच्छे फल लगे हैं। ऊपर से नीचे जहाँ भी देखिए, ये छोटे से पौधे में इतने सारे फल लगे हुए हैं और कभी भी ये कमते नहीं। प्यारे दोस्तों, ये पेड़ हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिखाता है कि रोपा पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ अच्छे पेड़ लगाते हो, आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, तो आपके जीवन में वो फल मिलेंगे जिसके बीज आपने अपनी मर्जी से बोया है। लेकिन अगर बबूल का पेड़ बो दोगे मेरे भाई, तो आपको कभी भी ये अमरूद के पेड़ों में फल नहीं मिलेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक फिलॉसफर और थिंकर हूँ, आपको इस पेड़ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ और वो है, आपका मस्तिष्क भी एक खेत जैसा है। ये खेत देख लो, ये ज़िंदगी में जो खेत दिख रहे हो, ये जीवन भी हमारा एक खेत जैसा है, जिसका कि ये जो खेत है वो हमारा मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क में हम जैसे बीज विचार के बोएंगे, हमारा जीवन वैसा ही होता है। ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी दिन रात यही बोलता है, मैं बुद्ध हूँ, मैं विवेकानंद हूँ, मैं सारे महापुरुषों के विचारों पर चलता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता। राम के जो अच्छे विचार थे, मोहम्मद पैगंबर के जो अच्छे विचार थे, जीसस क्राइस्ट के जो अच्छे विचार थे, जितने भी महान व्यक्ति हुए, प्राचीन धर्मों में श्रेष्ठ सत्यवादी जितने भी महान लोग थे, उनके पद चिन्हों पर चलता हूँ। और इसीलिए मेरा सौभाग्य है कि जो भी ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरी लोग जितने भी सृष्टि में हैं, पृथ्वी और ब्रह्मांड में, सब एक दूसरे से प्यार करें। बिकॉज प्रकृति का जो ये जीवन चक्र है, वो प्यार से ही बंधा हुआ है। प्यारे दोस्तों, अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो हम लोगों में से कोई भी पृथ्वी पर नहीं रहता, आकाश में उड़ जाते, अंतरिक्ष में चले जाते। तो जब हमारी उत्पत्ति जो इस पृथ्वी माता के कोख से हुई है और वही ग्रेविटेशन से हमें अपने सीने में लगा के रखा है, तो हम क्यों नहीं ऐसे सोच, ऐसे विचार अपने जीवन में मस्तिष्क में धारण करें और धारणा करें, धारणा ध्याना, तो हम लोगों को सचमुच समाधि मिलेगी। समाधि का मतलब है अत्यधिक आनंद और प्रेम मिलेगा हमें। लेकिन इसके लिए हमें इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, संकल्प की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। जब ज्ञान को हम विचारों में अपने मस्तिष्क में रखेंगे और बार बार दोहराएंगे, तो हम एक महापुरुष बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जब मैं ज्ञान की बात करता हूँ, तो वो भी बता दूँ, सत्य सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम स्नेह सहयोग सद्भावना, यही सच्चा मार्ग है जीवन में, जिससे मुक्ति मिल सकती है। और जो दुष्ट विचार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष क्लह, आज का ये भूखंड पृथ्वी इन विचारों से, नकारात्मक विचारों से चलायमान है। चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कोरोना फैला दिया, तरह तरह के विध्वंसकारी शक्तिशाली हथियार बना रहा है और पूरे ब्रह्मांड में राज करने की उसकी विचारधारा प्रबल हो रही है। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है बहुत चीज़ों में। इन विचारों से हिटलरवादी हो जाएगा, ये अलेक्जेंडर की तरह पूरी दुनिया को कब्जा करने की विचार कर रहा है दुष्ट व्यक्ति। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि शी जिनपिंग और इन विचारों पर चढ़ने वाले अंधकार में भटकते हुए दुष्ट मनुष्य, तुम अपने जीवन में खुद ग्रहण लगा रहा है। रे नालायक, तुम खुद चार दिन का चांदनी है यहाँ, फिर अंधेरी रात होगी तेरे जीवन में, मरेगा चले जाएगा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर्चल एक बंदे जंजीर। जब तुम्हारी जीवन का ही क्षणभंगुरता है, तुम्हारे जीवन का ही कोई ठौ ठिकाना नहीं है, तो कुकर्म क्यों कर रहे हो? इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी से ये क्यों नहीं सीख रहे हो? प्यार करो, जीवन जियो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे के हर दुख सुख में शामिल हो जाओ। प्रकृति को भी हम बर्बाद कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण से तरह तरह की विपदाएं ला रहे हैं। सबका एक ही कारण है,
ईर्ष्या द्वेष कलह लालच लोभ। जागो मेरे भाई, अपने मस्तिष्क में सुविचार का बीज डालो तो जिस तरह अमरूद के पेड़ सुंदर निकले उसी तरह तेरे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, शांति ही शांति होगी, अमन ही अमन होगा, चैन ही चैन होगा, क्योंकि मैं तो ओम शांति वाला हूँ।